हेलो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है दोस्तों। जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर इंस्टाग्राम वायरल सेड नेम वाला स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी के टाइम पर इस तरह का सैड नेम वाला स्टेटस वीडियो अभी इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है। दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर इस तरह की वीडियो देख सकते हैं, कितने ज़्यादा इन्हें व्यू और लाइक जा रहे हैं आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह की वीडियो अभी कितनी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो इस तरह की दोस्तों वीडियो अभी बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल चल रही हैं। तो दोस्तों आपको इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट ऐप को और VN ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों आपको कैपकट ऐप और VN ऐप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके VN ऐप को और कैपकट ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है बिंग इमेज AI क्रिएटर, इस तरह से आपको सर्च करना है। सर्च करते ही फर्स्ट में जो आपके सामने वेबसाइट आ रहा है इस पर आपको टैप करना है। तो दोस्तों इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में आपको पहले लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 लाइन वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन इन का ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी डालकर इसमें अपनी आईडी को बना लेना है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी जीमेल आईडी यहां पर डालेंगे तो आपकी जीमेल आईडी पर एक कोड आएगा, उस कोड को आपको यहां पर डालना है। तो इस तरह से हम कोड को डाल देंगे और हमारी यहां पर आईडी बन जाएगी। इस तरह से आपको अपनी आईडी को बनाना है। अब दोस्तों जिस तरह की भी आप इमेज यहां से क्रिएट करना चाहते हैं आपको उस टेक्स्ट को यहां पर टाइप करना है। तो टेक्स्ट को दोस्तों मैंने पहले से ही लिख कर रखा है, तो उसको हम कॉपी कर लेंगे। ये वाला जो टेस्ट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको भी कॉपी करके और इस टेस्ट को पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी होने के बाद यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर जो योर नेम लिखा है यहाँ पर आपको अपने नेम को लिखना है। हम अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको ज्वाइन एंड क्रिएट पर टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों बहुत सारी आपके नेम वाली इमेज यहां पर क्रिएट होकर आ जाएंगी। जिस भी नेम वाली इमेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपको उस पर टैप करना है। टैप होने के बाद नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहां से आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहां से आपको डायरेक्ट बैक जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको उसी वाली इमेज को सिलेक्ट करना है जो हमने अभी सेव की थी। इस तरह से हम इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद VN ऐप में इस तरह से हमारी जो नेम वाली इमेज है इस तरह से आ जाएगी। ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओरिजिनल वाला, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको 9x60 वाली साइज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इमेज पर टैप करना है। टैप होने के बाद इसको आपको जूम आउट करना है। इस तरह से हम इसको जूम आउट कर लेंगे। अब दोस्तों आपको लेयर के एंड में जाकर जो ये VN ऐप का वाटर मार्क है इसको आपको डिलीट करना है। तो इस तरह से हम वाटर मार्क को हटा देंगे। अब दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा BG वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप होने के बाद इमेज पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपकी इमेज के ऊपर और नीचे साइड में दोनों साइड में ब्लर लग जाएगा। इसको आप यहां से बड़ा और घटा सकते हैं, तो इतना हम इसको बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर वाला, इस पर आपको टैप करना है और यहां से आपको ब्लैक वाली बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको इसको कम कर लेना है। इस तरह से हम इसको 4 पर सेट करेंगे।
अब दोस्तों ये जो इमेज वाली लेयर है इसको आपको खींचकर बढ़ा लेना है। इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों आपको इस वाली वीडियो क्लिप को यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर आपको टैप करना है। तो इस तरह से हम इस वाली वीडियो क्लिप को यहाँ पर सेव कर लेंगे। वीडियो सेव होने के बाद अब आपको डायरेक्ट बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको टर्बो वीपीएन वाले ऐप को ओपन करना है। ये जो टर्बो वीपीएन वाला ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वीपीएन ऐप को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद आपको टैप टू कनेक्ट के नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपका जो वीपीएन ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा। वीपीएन ऐप कनेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्ट बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट, इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करते ही जो आपके सामने फर्स्ट वाला वेबसाइट आ रहा है इसको आपको ओपन करना है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको कैपकट ऐप की जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों आपका जो कैपकट ऐप है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज टेम्पलेट, इस पर आपको टैप करना है। टैप होने के बाद यहाँ पर आपको उसी वाली वीडियो क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो हमने अभी सेव की थी। इस तरह से हम वीडियो क्लिप को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही दोस्तों हमारी जो वीडियो क्लिप है इस तरह से आ जाएगी। अब आपको इस वाली वीडियो को यहाँ से सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको टैप करना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही आपकी जो वीडियो है वो गैलरी में सेव हो जाएगी। अब दोस्तों हम इस वाली वीडियो में साउंड को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो सेव हो चुकी है। अब यहां से आपको बैक आ जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। टैप होने के बाद उसी वाली वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो हमने अभी सेव की थी। इस तरह से हम वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। वीडियो सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको इस वीडियो के साउंड को म्यूट करना है। म्यूट करने के लिए आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा म्यूट वाला, इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों आपको इसमें साउंड को लगाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा एड आईडियो, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको नीचे चौथे नंबर पर मिल जाएगा एस्ट्रिक वाला ऑप्शन, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आपको इसमें एक साउंड वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है। ये वाली जो साउंड वाली वीडियो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम साउंड वाली वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही वीडियो का साउंड हमारे वीडियो में लग जाएगा। लास्ट में जो एक कैपकट ऐप का वाटरमार्क है इसको आपको डिलीट करना है। तो इस तरह से हम डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा एरो वाला, इस पर आपको टैप करना है। टैप करते ही गाइस आपकी जो वीडियो है वो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सैड स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।